ये हमारे गुलपुर हमारे हमारे साथ नफीस भाई आ जाइए गुजारिश है जो पैठन गेट की जो डोल वाली गली है बैठ के बात जमा होना हुआ है कि इसकी निस्बत पे होना हुआ है कि माशाल्लाह हमारे नासिर सिद्दीकी साहब करे थे मार्केट के अंदर बहुत कोशिश करे, हमारे बाबा भाई ने पहले कोशिश करे, बाद में जमील भाई ने कोशिश करे, इन सबकी कोशिश के बाद थोड़ा काम धक्के को तो लग गया मगर वो लोग का फॉलोअप सही नहीं ले रहे थे। अब बाद में हमारी मुलाकात हमारे नासिर भाई से और हमारे सुल्तान भाई से जो लेटर दे चुके थे उन्होंने भी, फिर हमारे नासिर भाई के कान पे हमने बात डाली कि नासिर भाई हमारी गली का ऐसा ऐसा मसला है, तो नासिर भाई ने तुरंत फोन निकाले और वही के ऑन द स्पॉट उन्होंने वही फोन निकाल के अरब से बात करे और तुरंत अल्लाह के करम से 20 साल 25 साल जो पुराना काम रुके हुआ था वो अल्लाह के करम से 2-4 महीने के अंदर अल्लाह ने करा दिया। तीन बड़े बड़े मुद्दे थे अपने पास जो डेनिस का था, नल का था, हाँ और ये जो है तो माशाल्लाह गली के रोड का था, अल्लाह ने इन लोगों के जरिए से अल्लाह ने ये काम जो है तो माशाल्लाह पूरा करा दिया। ओके, तो मैं हम सब गली वालों की तरफ से हमारे नासिर भाई का, हमारे सुल्तान भाई, बाबा भाई और हमारे गयास भाई का और हमारे साथियों का, माशाल्लाह इनकी टीम का जो है तो हम सब महल्ले वालों की तरफ से मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह इनको इसी तरक्की दे। और अभी हमारे खासदार आमदार साहब जो है तो माशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर भी खड़े रहने वाले हैं, तो मैं अपनी गली वालों से भी दुआ की दरखास्त करूंगा और हमारे नासिर भाई के ताल्लुक से खड़े रखना पड़ेगा। हाँ, खड़े रहना पड़ेगा माशाल्लाह, अगर वो नहीं दिए टिकट तो धरना देना पड़ेगा। इंशाल्लाह टिकट तो बोल गया क्योंकि हमारे नासिर भाई का काम जो है तो कोई पक्ष के तरफ से या कोई लीडरशिप के तरफ से नहीं है, एक इंसानियत के नाते हर जगह काम करते माशाल्लाह, तो ऐसे इंसान का खड़े रहना बहुत जरूरी है, तो हम सबको साथ भी देना है इंशाल्लाह इनका, है ना। तो आसिर भाई आपसे भी तो गुजारिश है कि कुछ बात माशाल्लाह मतलब के और बगैर किसी सियासत के हर वार्ड में या हर गली में काम करते हैं उनको अहमियत कोई पार्टी नहीं, हर पार्टी देती उनको, किसी पार्टी के वो बंदे भी नहीं रहते। ठीक है, मेरे के ऊपर राष्ट्रवादी का, इनके ऊपर एमआईएम का या इनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ये पार्टी बाजू रख के ये काम करने वाले लोगों को हम जो बुलाए और आज जो अहमियत दिए तो आज ये उसके हकदार हैं। और जैसे इन्होंने पीछे खड़े थे, इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे फिर से इनको वापस एमआईएम ने टिकट देना और हमारे पूरे 100% बढ़ चढ़ कर वोट देकर इनको कामयाबी करना, और अगर इम्तियाज जिल टिकट नहीं देते तो हमने जाके उनसे वो करना चाहिए कि इनको टिकट दो बोल के। ऐसे ऐसे अब लोग आ रहे और उनके टक्कर में आज तनवानी भी है, जायसवाल भी है, हो सकता है इंशाल्लाह एक सीट मुस्लिम निकलेंगे इसमें, कुछ नहीं, वो आ रहे बाबा बिल्डर आ रहे, ये रीडलर आ रहे, उल्डर, उनका कभी कुछ काम नहीं है, सिर्फ वो पैसे कमाने के वास्ते खड़े हुए थे। पूरा काम उन्होंने इम्तियाज जिल का पूरा हर वार्ड में उन्होंने कॉन्ट्रेक्टर का काम करे, इनके कोई काम है कॉन्ट्रेक्टर का बताइए आप नहीं। खाली हमारे अमजद भाई ने, हाजी साहब ने बोले कि ऐसा ऐसा काम है, उसी टाइम फोन करके और ये काम कराना, ड्रेनेज का काम कराना, लाइन का नल का काम कराना, उसके बाद सीमेंट का काम कराना, आज ये गिल्ली ऐसी बन गई, पहले आ नहीं सकता था कोई, यहाँ सब कचरा घुआन खून पड़ी रहती थी। और ऐसा ये नहीं, यही गली नहीं, औरंगाबाद में हर जगह मैं जब भी मालूम करा, नासिर भाई काम जरा सा फोन करो ये काम हो गया, एक बाबा भाई का काम आ गया था, घर के जब्ती ले रहे थे, फोन करके वकील लगा के उसी टाइम स्टे दिला दिए। जो काम करता उसकी कीमत है, कोई पार्टी की कीमत नहीं रहती यहाँ पे। तो मैं यही चाहूंगा कि जो तरक्की करने वाला है, तरक्की आगे सब लोगों को साथ देने वाला है, उसी का साथ दो। और आज जो इन्होंने इस्तकबाल रखे, मैं इसकी भरपूर तारीफ करता हूँ और बहुत खुश हूँ अपने दिल से कि इन्होंने अच्छी सबको सामने मिला के इनके इस्तकबाल रखे, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इस्तकबालिया तकरीब के मौके पर मेरे साथ दाइस पर तशरीफ़ फरमा इस इलाके के नहीं बल्कि पूरे शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत गयास बागवान साहब, साथ ही साथ बाबा भाई, आज जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, हाजी अमजद साहब, सुल्तान भाई जो कि इस वार्ड के मसाइल के लिए अक्सर मुझे कहते रहते हैं और मैं भी अपनी टूटी फूटी की कोशिश करता हूं, और सामने में बैठे हुए मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसा अमजद साहब ने कहा कि ये काम की शुरुआत, ये जो यहाँ पर दो शख्सियात बैठी हैं इन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने शुरू तो किया। आज ऐसा है कि शुरू करने के लिए भी लोग सोचते हैं, तो उन्होंने इस काम को शुरुआत की और अल्लाह ने किसी और के ज़रिए इसकी जो है तो जो काम को मुकम्मल करवाया। तो यकीनन ये तमाम लोगों का इसके अंदर ताऊन है,
ये मेरा अकेले का कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने इसके अंदर कोशिश की और अल्लाह ने उसमें कामयाबी अता करी, ये इसी वजह से मुमकिन हो पाया है कि पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन थे, इस इलाके ने जो मुझे मोहब्बतें दी, जिस तरह झोली भर के अपने वोट दिए और 70,000 वोटों तक मुझे पहुंचाया, तो यकीनन भले जीत और हार एक अलग चीज़ होती है, इंसान इलेक्शन तो हारता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता, इसी तरह मैंने इलेक्शन हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारा था। इसीलिए मैं हर वक्त मैदान अमल के अंदर जो है तो लोगों के बीच रहा और ये कोशिश की कि जितनी ईमानदारी से मैं इन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए काम कर सकता हूँ, मैं उस दिन से लेके आज की घड़ी तक और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा, लोगों के मसाइल हल करने में मुझे दिलचस्पी है। मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन हमारे शेड्यूल कास्ट भाई है, ये काम करना नियत होना चाहिए और फैसले ऊपर वाला करता है। अगर आपकी नियत है तो उसमें कामयाबी भी देना ऊपर वाले का काम होता है। फिर तो ये काम करके हमने भी कोई एहसान नहीं किया आप लोगों के ऊपर, ये आप ही लोगों की दी हुई ताकत की बुनियाद पर काम हुआ। और मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद आप लोगों को कि आपके तमाम काम जो बेसिक काम होते हैं ये पूरे के पूरे मुकम्मल एक साथ हुए, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। क्योंकि बेसिक चीज़ें हर वार्ड के अंदर हर गली में हर रोड के जो है मसाइल होते हैं, वो ड्रेनेज पानी रोड और लाइट, ये चारों चीज़ें आप लोगों ने मुकम्मल करवाई। आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जब भी आइंदा भी आप लोगों को ऐसी कभी भी ज़रूरत रहेगी तो नासिर सिद्दीकी इंशाल्लाह उसकी ईमानदारी से पूरी कोशिश करेगा और मसाइल को हल करने में जद्दोजहद करेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। करो करो, अपने बुजुर्ग भी है वो। मुस्तकबिल के आमदार दुआ में याद रखो, खाली इंशाल्लाह बंदा मौका। ठीक है माशाल्लाह, हमारे इलियास भाई हाजी साहब माशाल्लाह भी हार बनेंगे इंशाल्लाह। अमीन भाई आइए, फोटो लो भैया, फोटो लो खड़े रखे सब माशाल्लाह अपने अपने पहली वाले हैं, पहली बार कर रहे हैं, किसी करे नहीं आज तक आते पहली बार। अपने तो नासिर भाई बाजू से नजर भी रहना ना, ये करवाना है, ये नजर गली के लोगों के लिए क्या करना है, ये उनका मकसद है। गली के लोगों का साथ देना ना, हमारे गली के लोग हमारे को सपोर्ट करें तो हमें आज तक काम हुआ। हमारे खान साहब, हमारे नफीस भाई, हमारे नासिर भी आ रहा था, ये हमारे बड़े लोगों ने हमारा माशाल्लाह साथ दिया, बहुत लोगों की वजह से सब हो रहा है। इन लोगों ने भी बहुत वादा करे माशाल्लाह, इन लोगों ने भी हमारा भाई करवाया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।